हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो लिब्रा कैल्क का है और लिब्रा कैल्क में हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास बड़ा डेटा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऊपर के रो को फ्रीज कर दिया है और यहाँ पर जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर का जो टाइटल है वो गायब होता नहीं है, सारी चीजें ऊपर चली जाती है और ये जो टाइटल है ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसी की बात करेंगे। तो देखिए, अब मैंने रो को फ्रीज कर दिया है, अब कॉलम को फ्रीज करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर जो भी आपको करना है व्यू टैब में जाके करना है, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहां से राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको यहां से आप पहले सिलेक्शन में ले लीजिए इस पूरे कॉलम को, ठीक है। यहां से कॉलम को सिलेक्शन में लिया, राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फ्रीज रो एंड कॉलम का ऑप्शन आएगा। एक और तरीका, बेहतर तरीका बताता हूं, व्यू में चले जाइए, ये जो व्यू टैब है ना यहां पर आ जाइएगा तो यहां पर आपको मिलेगा फ्रिज रो एंड कॉलम, फ्रिज सेल्स, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सारी चीजें ये आपको यहां पर दिखाई पड़ने लगेंगी। अब आपको जो भी फ्रिज करना हो उसे आप कर सकते हैं आसानी के साथ फ्रिज। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मुझे इसी कॉलम को ही फ्रिज करना है तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर आने के बाद फ्रिज फर्स्ट कॉलम, इसे मैं कर देता हूं फ्रिज, ठीक है। अब मैं अगर स्क्रॉल करता हूं यहां से, आप देख सकते हैं ये देखिए, तो ये सारी चीजें सारा डेटा जो है ये इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन ये जो पहला कॉलम है ये फ्रिज है, दैट्स वाई ये यहां पे दिख रहा है। तो अगर नेम के अकॉर्डिंग हमें कोई डेटा में चेंजिंग करनी हो तो कितना भी बड़ा डेटा हमारे पास होगा तो हम आसानी के साथ इसको स्क्रॉल करके और हमारा नेम गायब नहीं होगा और हम इसको देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप जैसे मान लीजिए रो को तो मैंने पहले ही फ्रिज कर रखा है तो रो में तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से आप रो को भी फ्रिज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, यहां पर आप जाएंगे व्यू टैब में और यहां पर जाने के बाद फिर यहां पर फ्रिज सेल्स, ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है तो आप जिसको भी फ्रिज करना चाहते हो यहां से फ्रिज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से हेल्प मिलेगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।